खोदो 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 मानो खोद तो क्या बोल रहे हो खोदो जाफरी भाई तुम कहाँ इधर गड्ढा खोदने बैठ गए तो पिंपल है बेचारा यार इसको तो फोड़ना होता है उसके बाद चेकिंग होगी अंदर क्या माल छुपा माल नहीं वैसे तो गंदगी है लेकिन कौन सी गंदगी है ना वो आज ही पता चलने वाला जो पिंपल होता है ना वो बिल्कुल है ना पेड़ जैसे काम करता है जर्मिनेट होता है धीरे धीरे स्टेजेस के अंदर एक साथ पेड़ है ना पहाड़ जैसा पेड़ नहीं बन जाता बनियान ट्री जैसा जहां से हर जगह से ब्रांचेस निकल रही है ऐसा कुछ भी नहीं होता पिंपल की भी स्टेज होती है। अब इस वीडियो का कंटेक्स्ट किससे है? मैंने इस वीडियो पे ना एक पूरी वीडियो बना रखी है कि पिंपल को फ्यूचर में आपको होने वाला है या नहीं होने वाला है, उसको प्रेडिक्ट कैसे करें, पता कैसे चल जाएगा आपको, उसके ना साइंस बता रखे हैं, सिम्टम्स बता रखे हैं, वो इस वीडियो में आ चुके हैं, आप पूरा देख सकते हो। ये वीडियो बहुत ज्यादा रिलेट हो जाएगी। अगर आपको इन स्टेजेस के बारे में लॉन्ग में समझता है, एलैबोरेट करना है, ये वाली वीडियो देखो। ऑब्वियसली इसमें सिर्फ शॉर्ट रिकॉल करवाऊंगा मैं। फर्स्ट स्टेज होने वाली आपके कोमेडोन्स, सिर्फ जो ऊपर का एरिया है ना वो सिर्फ उभरा हुआ दिखता है एक स्लोप जैसा कि आपको एक हल्का सा पिंपल हो रखा है लेकिन वो इन्फ्लेमेटेड और रेड नहीं होता और कुछ भी नहीं होता। ये इस कोमेडोन होता है। इसके अंदर मिक्सचर किस चीज का भरा हुआ होता है? आपके सीबम ऑयल्स का। इससे यही पता चलता है आपका फेस बहुत ज्यादा सीबम ही और ऑयली है ऑब्वियसली। और दूसरी चीज क्या? डेड स्किन भरी हुई होती है। अब इसकी नेक्स्ट स्टेज क्या आती है? नए टाइप के कोमेडोन्स जो होते हैं ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड, दैट इज कॉल्ड ओपन कोमेडोन्स एंड क्लोज कोमेडोन्स। इसकी भी बात हो चुकी है। अब देखो व्हाइट हेड पता है क्या होता है? यही डेड स्किन भरी हुई होती है, यही सीबम भरा हुआ होता है और थोड़ा बहुत बैक्टीरिया भी भरना चालू हो जाता है। लेकिन दिक्कत पता क्या होती है? बैक्टीरिया अभी तक पूरी तरीके से एंटर नहीं किया है इसके अंदर, ठीक है? और जो स्किन की जो ऊपर की लेयर है वो स्टिल प्रेजेंट है, स्ट्रैटम कॉर्नियम प्रेजेंट है, आपका स्किन बैरियर प्रेजेंट है आपको बचा के रखने के लिए। लेकिन जब ब्लैक हेड की बात आती है तो ये जो ना सीबम और आपके डेड स्किन सेल एक्सपोज हो जाते हैं एयर को और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और काले दिखने लग जाते हैं। खाली इतना सा फर्क होता है दोनों के अंदर। नेक्स्ट स्टेज व्हाइट हेड की ब्लैक हेड ही बनने वाली होती है क्योंकि स्किन का जो बैरियर है वो टूट जाता है, ठीक है? अब ये चीज बोली जाती है कि ब्लैक हेड को अपनी मर्जी से हटाना नहीं चाहिए खींच के, क्योंकि बाहर के बैक्टीरिया एंटर होके उसको पिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं। तो ये गलती छोड़ दो, अपनी स्किन सिर्फ साफ रखने की कोशिश करो, हाइजीनिक रहने की कोशिश करो, ब्लैक हेड और व्हाइट हेड कभी नहीं हो। वैसे तो ब्लैक हेड को अनइन्फ्लेमेटेड पिंपल ही कहा जाता है क्योंकि इसमें रेडनेस नहीं होती, लेकिन अगर आपने उसको खुरचा खुरची करी जैसे नॉर्मल लोग फिजिकल तरीके से करते हैं तो प्लीज आपको इन्फ्लेमेटेड पिंपल हो ही जाएगा, ब्लैक हेड कभी वैसे वो बनता नहीं है, ठीक है? अब पिंपल कैसे होता है, उसमें मिक्सचर किस चीज का भरा हुआ होता है? देखो पिंपल होता पता है कब है? जब आप ढंग से क्लीनिंग नहीं कर रहे हो, आप हाइजीनिक नहीं रह रहे हो, सीबम क्लियर नहीं कर रहे हो क्योंकि वो पोर्स में अटक रहा है और क्लॉक कर रहा है। वो क्या करेगा? खाना क्या होता है बैक्टीरिया? सीबम। ऑब्वियसली वो खाने ही अंदर आएंगे, ये याद रखना। और जो दूसरी चीज है डेड स्किन सेल्स, तुम उसको एक्सफोलिएट करके क्लियर नहीं कर रहे हो और वो क्या होंगे? वो भी पोर्स में क्लॉग होंगे, क्लॉग पोर्स बनेंगे, जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन एक्सट्रीम केसेस में जिस टाइम बैक्टीरिया एंटर कर जाएंगे आपके पोर्स के अंदर, दैट इज इन्फ्लेमेशन चालू हो जाएगा आपके पिंपल्स का। होता क्या है, वो लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, अंदर आते हैं सीबम को खाना चालू कर देते हैं और एक फैटी एसिड रिलीज करते हैं जिसकी वजह से रेडनेस और इन्फ्लेमेशन होना चालू हो जाता है और वो जो एरिया होता है स्किन का वो फूलना चालू हो जाता है रेडनेस के साथ। उसके बाद कौन एंटर करता है? ये लड़ेंगे हम लोग बैक्टीरिया से, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स। जो आपके पस वाले पिंपल्स होते हैं ना, वो पता है क्या होते हैं? मरे हुए व्हाइट ब्लड सेल्स जो बैक्टीरिया से लड़ने आए थे। व्हाइट ब्लड सेल्स ही पस बन के निकलते हैं। I will reveal the secret, जो सब लोग सुनने बैठे हैं। पांच चीजें होती है पिंपल में, एग्जैक्ट टर्म्स में बताऊंगा। सबसे पहली आपकी पर्स, पस जो बनाते हैं आपके है ना व्हाइट ब्लड सेल्स जो लड़ने आए थे और मर गए थे, अब पस बन के व्हाइट कलर के निकल जाएंगे। सेकंड आपको ऑब्वियसली सीबम जो बैक्टीरिया खाने आए थे। थर्ड होने वाला है वो होने वाला है आपके डेड स्किन सेल्स जो पोर्स में क्लॉग हो गए थे। चौथा होने वाला है वो होने वाला है आपका है ना स्वेट जो आप धोते नहीं हो ढंग से कभी भी। पांचवा होने वाला है वो मैं भूल चुका हूं, ऑब्वियसली बैक्टीरिया जिन्होंने एक्चुअल में प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नी जिन्होंने ना एक्चुअल में कॉज किया है एक्ने और इन्फ्लेमेशन सीबम खा खा के। तो आपको ये याद रखना है एक्सफोलिएशन आपके सारे केमिकल या फिर फिजिकल और आपके फेस वॉश ढंग से करने, और अगर आपको ठीक होना है तो बैक्टीरिया खत्म कर दे, बेंजोइल पेरोक्साइड और रेटिनॉल लगाओ, पर्जिंग होगी थोड़ी बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम। कोई दिक्कत हो कमेंट।